निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास भी क्या है, ये डायग्राम, डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि NS क्या है, एक दंड चुंबक, इस दंड चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2L, इसके मध्य बिंदु कौन सा है, O है, O से कौन सी दूरी पर, A दूरी पर, कौन सी स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति में, एक बिंदु यहाँ पर ये क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव N के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, V1 है, और दक्षिण ध्रुव S के कारण से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, V2 है। ये उत्तरी ध्रुव N के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की होगी, और दक्षिण ध्रुव S के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की ये जो तीव्रता होगी ये क्या होगी, अंदर की ओर होगी। भी यहाँ पर इन दोनों की क्या कहला रही है, परिणामी तीव्रता कहला रही है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमने जो बनाया है इसको हमको क्या करना है, लिखना है। लिख लीजिए आप, माना एनएस एक दंड चुंबक है, माना एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु को से d दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबक का ध्रुव प्रबल M है। ठीक है, ये बिल्कुल, यदि आपसे डायग्राम बन रहा है ना, यदि आप डायग्राम बना लिए तो इसका वर्णन भी आप अपने तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में मैं आपको लिखवा रहा हूँ वही सीक्वेंस पर आप लिखो। ये सामने जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपको क्या करना है, लिखना। हमने क्या लिखा यहाँ पर, बिल्कुल आसानी से माना NS क्या है, एक दंड चुंबक जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से कौन सी दूरी पर, कौन सी स्थिति पर, कौन सा बिंदु है जिस पर क्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, और इसका चुंबक का ध्रुव प्रबल क्या है, M। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। लिख सकते हैं ना इतना कि माना NS क्या है, एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से दी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और चुंबक का ध्रुव प्रबल क्या है, M। क्लियर बन जाएगा इतना ना। अब इसके बाद लिखिए आप, उत्तरी ध्रुव N के कारण क्या लिखेंगे अब हम आगे, उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव जो है N, इसके कारण से क्या कर रहे हैं हम, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ये क्या है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लीज बोलना जरा, V1 बराबर
म्यू जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, ये म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, फिर क्या जाएगा एम अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका एन पी स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सी दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एन पी दिशा में, कौन सी दिशा में, ये एन पी दिशा बना लोगे इतना, है ना, कि इस बिंदु पर उत्तरी ध्रुव एन पी कारण से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वन बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन क्या हो जाएगा एन पी स्क्वायर। एम क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्रुव का बल है, कौन सी दिशा में आएगा ये एन पी दिशा, ठीक है। इसको जो देखते हैं और हम समीकरण क्या दे देते हैं एक दे देते, ठीक है। फिर इसके बाद क्या जाएगा आपका, इसी प्रकार अब कौन सा ध्रुव आ रहा देख लीजिए, इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव एस के कारण, दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये जो तीव्रता होगी ये क्या हो जाएगी बी टू बराबर। अब यहाँ से ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, अदर्श क्या आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बोलो क्या है, क्या पढ़ती है आपने तो पढ़ाई लिखाई आप लोगों की, जो 12वीं क्लास के बच्चे को आप सोच सकते हो, आप इतनी सी अकल नहीं लगाते आप लोग। क्या आ जाएगा यहाँ से म्यू जीरो अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका फोर पाई एम अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका एस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण इसको हम क्या देखते हैं दो, कौन सी दिशा में आ जाएगा ये पी एस दिशा में, पी एस दिशा में तीर का चिन्ह दिख रहा हुआ, यहाँ पर ये क्या है पी से एस की दिशा में, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है एम से ये क्या हो रहा है एम पी दिशा में, ये बाहर की ओर जा रही है। तो ये क्या आ जाएगी आपकी बी टू बराबर म्यू जीरो अपॉन फोर बाई एम अपॉन एस टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये समीकरण ये क्या हो जाएगा आपका दो, देख लीजिए इसको, अब देख रहे हो आप कि यहाँ एन पी देखना जरा ना, क्योंकि इस पॉइंट का हम क्या ज्ञात कर रहे हैं तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो एन से ये कहाँ जाएगी ये पी, और इसी पॉइंट पर देखना आप दक्षिणी ध्रुव के कारण से इसी पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो ये पी से क्या हो जाएगा आपका एस, इन दोनों की आप देख रहे हैं कि इन दोनों के परिमाण कैसे हैं बराबर है, है ना। और जब परिमाण बराबर है तो इस बिंदु पी पर इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी इनके दोनों कोणों की क्या हो जाएगी योग, है ना, कि काय के आधे की कोज्या की क्या हो जाती है बराबर। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा क्योंकि एन पी बराबर ये क्या है आपका एन पी बराबर एस पी, क्योंकि यहाँ पर एन पी बराबर क्या है एस पी है, अतः बी वन एवं बी टू के परिमाण बराबर है, अतः हम क्या लिख सकते हैं बी वन एवं बी टू के परिमाण बराबर होंगे, परिमाण बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही क्योंकि बिंदु पी पर हम क्या याद कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और फिर देखना एस के कारण से यहाँ तक आ रही अरे ना, तो इन दोनों के परिमाण आपस में कैसे हैं बराबर कहला रहे हैं, तो इस कारण से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि चूंकि एन पी बराबर ये क्या है एस पी, है ना, अतः बी वन एवं बी टू के परिमाण कैसे हैं बराबर होंगे। तब बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता लिख लीजिए, तब बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, तब बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ये क्या हो जाएगी परिणामी तीव्रता बी बराबर, है ना, कोई भी एक तीव्रता का दोगुना, ये क्या हो जाएगा टू बी वन कॉस भी क्या हो जाएगा टू थीटा वाई क्या हो जाएगा ये टू हो जाएगा। अब टू थीटा से यदि हम टू का यदि हम भाग देते हैं, है ना, तो इसमें ये क्या आ जाएगा आपका बी बराबर क्या हो जाएगा टू
पी वन और ये क्या हो जाएगा कॉस भी क्या हो जाएगा है ना। एक थीटा आपका यहाँ दिख रहा है, एक थीटा आपका यहाँ दिख रहा है, इन दोनों का देख लीजिए क्योंकि बी वन की तीव्रता और ये क्या है बी टू की तीव्रता, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी इसकी परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा थीटा और यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा थीटा, तो इसकी जो परिणामी तीव्रता आएगी थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा टू थीटा, और इसका ये देख लीजिए बीचों बीच में है तो इस कारण से इसका ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। टू बी वन कॉस टू थीटा वाई क्या हो जाएगा टू थीटा में हमने टू का क्या कर दिया भाग देख दिया, तो यहाँ से बी बराबर क्या जाएगा टू बी वन कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस बिंदु टी पर परिणामी तीव्रता टू बी वन कॉस थीटा हो, ठीक है। इसको हम क्या दे देते हैं समीकरण दे देते हैं, हम इसको तीन दे देते हैं। क्लियर यहाँ तक, एक बार फिर से देख लें है ना। हम क्या याद कर रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम या व्यंजक की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर निरक्षीय स्थिति की परिभाषा लिख रहे हैं। निरक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या हो जाती है कि जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है ना, चुंबक के क्या होती है लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो इस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहा जाता है निरक्षीय स्थिति में। फिर इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे तो हम ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम पर हम क्या लिख रहे हैं आप लोग बोलिए जरा, माना क्या है NS क्या है जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, इसका मध्य बिंदु क्या है, इस मध्य बिंदु को से कौन सी दूरी पर है ना, कौन सी स्थिति में, कौन सा बिंदु स्थित है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, और चुंबक का ध्रुव प्राबल्य कितना है, तब उत्तरी ध्रुव N के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी क्या हो जाएगा एम पी स्क्वायर, इसको हम समीकरण क्या देंगे A, और कौन सी दिशा में लिखेंगे हम इसको, ठीक। इसी तरीके से अब हम कहाँ जाते हैं दक्षिणी ध्रुव S के कारण, दक्षिणी ध्रुव S के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बोलो कितनी हो जाएगी है ना, और m अपॉन क्या हो जाएगा ये s की स्क्वायर, कौन सी दिशा में ps दिशा में, ये जो है दक्षिणी ध्रुव के कारण से तीव्रता इस तरफ, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं क्योंकि एन पी बराबर क्या है यहाँ पर एस सी ही, अतः बी वन एवं बी टू के परिमाण कैसे होंगे बराबर, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी बी बराबर टू बी वन, या बी वन की जगह आप बी टू भी कर सकते हैं है ना, क्योंकि दोनों के परिमाण आपस में कैसे हैं बराबर, तो दोनों में से किसी एक तीव्रता का दुगना और उनके बीच बनने वाला जो कोण है आया समझ में, दोनों के बीच बनने वाला कोण ये क्या है टू थीटा का आधे कि स्पर्श ज्या के लिए क्या होता है सौज्या के लिए क्या होता है बराबर होता है, तो ये टू बी वन का टू थीटा वाई क्या हो जाएगा टू, फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ना, टू थीटा में यदि हम दो का भाग दे रहे हैं तो थीटा बचेगा, तो यहाँ से बी बराबर टू बी वन का थीटा, ये समीकरण क्या निकल किया जाएगा आपका तीन तैयार हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक बन जाएगा। फिर इसके बाद आगे आते हैं लिखना समीकरण एक से बी वन का मान समीकरण तीन में रखने पर, यहाँ पर लिखते हैं अब हम समीकरण एक से बी वन का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर। अब ये देख लीजिए हम यहाँ देखना आप कि समीकरण एक से हम ये बी वन का मान जो है ना क्या मान है बी वन का म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन एम पी स्क्वायर, इस मान को हम काय में रख देंगे समीकरण काय में रख देंगे तीन, तो देख लीजिए क्या जाएगा आपका बी बराबर ये हो जाएगा टू, बी वन का मान कितना है यहाँ से म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम अपॉन ये क्या जाएगा आपका एम पी स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस थीटा हो जाएगा है ना। हमने बी वन के मान को यहाँ पर समीकरण तीन पर रख दिया, चलिए लिख लीजिए इतना
गया। अब इसके बाद कहाँ आ जाते हैं देख लीजिए, अब इसके बाद हम आते हैं ज्यामिति रचना में। जो हमारे पास ये जो डायग्राम बना हुआ ना, इस डायग्राम की अब हम क्या देखेंगे, ज्यामिति रचना में। तो लिखिएगा ज्यामिति से, ज्यामिति से अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, कार्य आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ज्यामिति से। अब ज्यामिति से यहाँ पर हमारे पास ये जो आया कॉस थीटा आया और ये जो एम पी आया, हम क्या करेंगे इस ज्यामिति से हम इनका मान ज्ञात करेंगे, है ना। इसमें कई लोग क्या करते हैं कि दो दो तीन तीन पन्ने पे कॉस थीटा का मान और एम पी का मान निकालते हैं, हमको वो नहीं करना क्योंकि दो पेज में तो यही आता, ठीक है ना। और दो पेज यदि हम कॉस थीटा के लिए और एम पी के लिए दें तो फिर क्या हो जाएगा, ये चार पेज का बन जाएगा, है ना। और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे पास कॉपी कितनी आती है, केवल 24 पन्ने की कॉपी रहती है, 24 पेज की कॉपी रहती है। तो ये देख लीजिए आप ज्यामिति रचना से देखते हैं, ज्यामिति में क्या दिख रहा है आपको, कोण ये क्या जाएगा आपका पी एन एस, और पी एन एस बराबर ये देख लीजिए यहाँ पर कोण पी एन एस, यहाँ पर ये थीटा कोण है और पी एस एन बराबर ये क्या हो जाएगा, कोण का है कि पी एस एन बराबर ये क्या है आपका थीटा, ठीक। फिर इसके बाद ये क्या जाएगा यहाँ पर त्रिभुज, इसमें देखा जाए कौन से त्रिभुज पर, यह समकोण त्रिभुज पी ओ एन में क्या जाएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ एन में कहाँ है ये देख लीजिए आप, समकोण त्रिभुज ये है आपका पी, ये है ओ, ये है एन, यहाँ पर ये 90 अंश का बन रहा है ना, समकोण है। और जब त्रिभुज समकोण होता है तो वहाँ पर कौन सा प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या इसी को सूत्र रूप में लिखें तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है क्या है, पी ओ एन। इसमें हम देख रहे हैं कर्ण क्या है बताइए, कर्ण आपको मिल रहा है ये पी एन या एम पी कर्ण मिल रहा है ना। तो ये क्या है आपका एम पी स्क्वायर बराबर, लंब क्या है यहाँ पर देख लीजिए आप, लंब क्या है यहाँ पर ओ पी, ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस यहाँ से आधार क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओ एन का स्क्वायर। निकालना क्या हमें, ये एम पी स्क्वायर का मान ज्ञात करना, ये हो जाएगा एम पी स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है देख लीजिए, ओ से पी ये कितना आया डी है ना टी है, ये कितना है ये डी का ये क्या हो जाएगा वर्ग, और ओ एन का मान कितना होगा, ये एल है और ये एल है ना, तो इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी कहला गई, टू एल। तो यहाँ ओ एन यानी कितना कहला जाएगा, ये एल स्क्वायर। फिर इसके बाद यह करके इसको और आगे बढ़ा देते हैं, एम पी बराबर यहाँ से भी क्या जाएगा आपका अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस भी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। चलिए इतना लिख लीजिए आप, यहाँ से मैंने देखना बिल्कुल दो से तीन लाइन में मैंने इसका मान निकाल दिया है ना ज्यामिति से। अब इसी को एक पेज में यदि हम इसका मान निकालें तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहीं से आप ज्यामिति से सामने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है और वो समकोण त्रिभुज क्या है, पी ओ एन। इस पी ओ एन में हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस का प्रमेय लागू कर दिया। तो यहाँ से ये कर्ण का वर्ग, इसमें देखना एन पी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, ओ पी का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा आधार का वर्ग, ओ एन का स्क्वायर तो एन पी स्क्वायर बराबर ओ पी का मान क्या है डी, डी स्क्वायर और ओ एन यानी क्या हो गया आपका एल, एल स्क्वायर। तो एन पी बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या देखते हैं यहाँ पर, एवं हमने ये एन पी स्क्वायर का मान निकाल लिया ना, अब आगे देखते हैं क्या बचा हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण, यहाँ पर हम हिंदी में लिख लेते हैं आधार बटे ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। अब आधार देखिए इस त्रिभुज पर आधार क्या है आपका ओ एन, तो यहाँ से ये क्या जाएगा आपका ओ एन, और कर्ण क्या है यहाँ से देख लीजिए ये क्या जाएगा आपका एन पी। अब देखिए यहाँ से ओ एन का मान कितना है, एल है, और एन पी का मान हमने ये निकाल लिया।
ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या निकल गया, एल अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, लिख लीजिए इसको। इसको अपना समीकरण क्या बना देना, इसको चार बना देना ना, और लिखना यहाँ पर हम लिखेंगे इन मानों को समीकरण चार में रखने पर, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इन मानों को समीकरण चार में रखने पर, इन मानों को हम क्या कर देते हैं समीकरण चार में रखेंगे। तो यहाँ से ये क्या जाएगा, देखिए बी बराबर, ये तो हो गया आपका ठीक, ये क्या हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन, ये क्या हो जाएगा फोर पाई, ये हो जाएगा एम, और एम पी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा अब आपका एल अपॉन, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। क्लियर यहाँ पर। अब इसको और अच्छे से यदि हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा आपका b बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन क्या हो जाएगा फोर पाई, और ये देख लीजिए क्या हो जाएगा टू एम एल, ये हो जाएगा आपका टू एम एल बटे। अब देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पूरे की पावर ये क्या आ जाएगी आपकी थ्री अपॉन टू। क्यों आएगी, देखिए इसकी घात में कुछ नहीं मतलब क्या कहलाया एक, और यहाँ से यदि रूट को हटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर ये एक कहलाया, और इसको रूट हटेगी तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर वन अपॉन क्या हो जाएगा टू। और लॉगरिथम में हम जानते हैं कि आधार एक सा होता है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आधार आपका वही रहेगा, और गुणा करते समय क्या हो जाएंगे इसकी घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो एक घन ये क्या हो जाएगा एक बटे दो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पूरी की पावर ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, है ना, लघुत्तम आ जाएगा यहाँ से दो, और दो एकम दो, घन ये क्या हो जाएगा एक, दो और एक तीन, तीन बटे क्या हो जाएगा ये दो हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ गया आपका, ये जो आया आपका बी बराबर न्यू जीरो अपॉन फोर बाई टू एम एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर क्या जाएगा इसका थ्री बाई टू। फिर इसके बाद और हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन क्या हो जाएगा फोर पाई टू एम एल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ये कैपिटल एम आ जाएगा, और कैपिटल एम क्या कहलाता है इसका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर एम अपॉन ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, होल पावर ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू। यहाँ पर आप लिख सकते हो चूंकि एम बराबर ये क्या हो जाएगा टू एम एल चुंबकीय आघूर्ण, तो ये क्या कहला गया एक दंड चुंबक के कारण से निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभीष्ट सूत्र। अब यदि हमारे पास चुंबक कैसा है, यदि बहुत छोटा चुंबक, ठीक है ना, तो फिर इसके आगे हम और करेंगे, लिख लीजिए इतना पहले क्या समझा रहे हैं ना, लिखिए ना इधर तो होते जा रहा। लिख लिए पहले कहना यही निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभीष्ट सूत्र है, यही निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभीष्ट सूत्र है। फिर यदि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यदि छोटे दंड चुंबक के लिए कह रहा है, आया समझ में, यदि छोटा दंड चुंबक आता है, यदि केवल दंड चुंबक अकेले है तो आपको यहीं तक करना है, और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे दंड चुंबक के लिए निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो फिर आपको क्या करना है आगे लिखना, यदि चुंबक छोटा हो तो
यदि चुंबक छोटा हो तो बी की तुलना में एल का मान बहुत कम होगा। बी की तुलना में एल का मान बहुत कम होगा। अर्थात ये क्या आ जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख देंगे, L is the very less than आप क्या हो जाएगा D, यानी D की तुलना में L, यानी इसकी जो लंबाई है निरक्षीय स्थिति में, ये जो बिंदु P है इसकी तुलना में यदि क्या है, इसकी प्रभावकारी लंबाई की यदि मान की लंबाई को देखें तो ये मान क्या होगा, बहुत कम होगा, तब लिखना L की उपेक्षा करने पर, L की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर हम एल को क्या कर देंगे, उपेक्षित कर देंगे, है ना, अपने दिमाग से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तब ये क्या जाएगा, इसलिए बी बराबर ये क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, फोर पाई एम अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर की पूरी की पावर ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, म्यू जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, फोर पाई एम अपॉन, दो से दो कैंसिल हो जाएगा ना, ये दो ही किया छः, छः बटे दो यानी तीन, ये डी की पावर ये क्या हो जाएगा आपका 3। यहाँ तक ये छोटे दंड चुंबक के लिए निकल जाएगा, लिख दीजिएगा, यही निरक्षीय स्थिति में छोटे दंड चुंबक के लिए, ये छोटे दंड चुंबक के कारण से है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभीष्ट व्यंजक है। क्लियर, तो यहाँ तक आप लोगों को करना है।